इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती संगीता जैन, केएल परिवार बेगमगंज, चौधरी गुलजारी लाल, श्रीमती गिरजाबाई जैन एवं समस्त परिवार लोहारी, इंजीनियर श्री अशोक कुमार, श्रीमती अलका जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबली जैन, श्री अनूप कुमार, श्रीमती भाषा जैन एवं समस्त लोहारी परिवार, ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं हूं अंजलि, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित लोहारी के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर 9 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में असंख्य श्रद्धालुओं ने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे 2, 5, 7 एवं 9 अप्रैल के दिन के अति मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित 3 शिखरों वाला लोहारी का श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 400 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस जिनाले में श्री जी की 3 पवित्र एवं भव्य वेदियां विराजमान हैं। लोगों का यह अटूट विश्वास है कि यहां विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की अष्टफणधारी एवं श्वेतवणी विश्व की अनूठी प्रतिमा के अतिशय से ये जिनाले यक्ष रक्षित है। इस मंदिर में पूर्व से ही नाग नागिन के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष अतिशय किया जाता रहा है। इस अतिशयकारी जिनाले में रात्रि के समय ढोल बजने की घटनाओं का, नृत्य की मधुर आवाजों का एवं भगवान के अभिषेक की घटनाओं का भी पुजारी जी के द्वारा साक्षात्कार किया गया है। वर्ष 2017 में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का संपूर्ण कार्य शिखर से लेकर फर्श तक चौधरी गुलजारी लाल जैन परिवार द्वारा समाज के सहयोग से संपन्न किया गया था, जिसमें मंदिर के शिखरों को यथावत मूल स्वरूप में रखा गया। और फिर जीर्णोद्धार के पश्चात नवीन मंदिर जी में 5 अप्रैल 2017 को नवीन वेदी की विधिवत प्रतिष्ठा हुई। अगर बात करें मंदिर जी के अतिशय से जुड़ी हुई एक विशेष घटना की, तो सन 2019 में यहां विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चारों ओर लिपटे हुए नाग नागिन के जोड़े का वीडियो पूरे विश्व में वायरल हो चुका है। मार्च 2022 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के प्रवास के साक्षी बने लोहारी नरायवली सागर के इस मंदिर के भक्तों को सन 1956 एवं 2015 में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त हो चुका है। और इसी श्रृंखला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 2 अप्रैल 2023 से लेकर 9 अप्रैल 2023 के मध्य श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का यहां भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 2 अप्रैल के दिन का शुभारंभ पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुआ। भगवान के मंगल अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना करते हुए अन्य मांगलिक क्रियाएं की। इसके साथ ही समस्त धर्म स्नेही भक्तों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए जल शुद्धि एवं जल यंत्र स्थापना कर अन्य शुभ क्रियाएं की। ओम रिम लोक स्थित तीर्थ स्थान चंद चंद स्वाहा।
शुद्ध जलम स्वर्णघट प्रक्षतम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चित ममोत्कम पवित्रम कुरु कुरु द्रम 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 बम 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 हम बम सम तम 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 बम बम द्रम द्रम द्रीम द्रीम हम स स्वाहति मंत्र प्रचिंजल पवित्रीकरणम। जिसके बाद हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक एवं मंगल कलश शिरोधार कर श्रावकाओं द्वारा भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा नगर भ्रमण करने के उपरांत कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के पावन निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए सौभाग्यशाली भक्तों ने फीता खोलकर नाचते झूमते हुए पंडाल में मंगल प्रवेश किया। इसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्राविकाओं ने मंगल कलश के शुद्ध जल से शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच पांडाल एवं मंडल की शुद्धि की। ओम री परम कलशन वेदिका मंडल पंडाल शुद्धि करोगी, ओम री महादत कलशन वेदिका मंडल पंडाल शुद्धि करोगी, ओम री चप्पन कलशन वेदिका मंडल पंडाल शुद्धि करोगी, ओम री ज्ञान कलशन, ओम री चैत्र कलशन, ओम री सर्वार्थ सिद्धि कलशन पंडाल मंडल वेदिका शुद्धि करोगी झिम झिम ओम भट स्वाहा। तत्पश्चात ही श्रावक श्रेष्ठियों को तिलक लगाकर मुकुट पहनाया गया, जिसके बाद प्रभु प्रेमी भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। इसके उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने कार्यक्रम में जबलपुर से आए प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के अनुमोदना करते हुए उन्हें श्रीफल भेंट कर उनका तिलक लगाकर माला व मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नवीन भैया जबलपुर से आए हुए हैं, वो हमारे लोहारी के इस सिद्धचक महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ के लिए अपनी स्वीकृति दें और प्रतिष्ठाचार्य का पद ग्रहण करें। हम सब लोग अनुमोदना करते हैं आपसे, स्वागत है आपका और स्वीकार करें। ये है श्रावक सृष्टि, ये है श्रावक सृष्टि, ये है विधानाचार्य जी, ये है विधानाचार्य। तो वहीं धर्म प्रेमी श्राविकाओं द्वारा मंगल चौक पर आया गया, जिसके बाद इंद्र इंद्राणियों एवं समस्त पात्रों ने श्री जी के समक्ष नमन वंदन करते हुए शुभ क्रियाएं की। ओम राम रीम रूम नम रह कर तलभ्यम नम नमोस्तु भगवान नमो अरिहंताणम अनहात प्रक्रमे सौधर्मेन्द्र कुबेरेन्द्र ईशान शनत महेंद्र महायज्ञ नायक यज्ञ नायक इंद्र भवतु भवतु भवतु। तदुपरांत ध्वजारोहण स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा श्री फल एवं अर्घ्य समर्पित कर अन्य मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया गया। ओम रीम श्रीम क्लीम अनादि सिद्ध मंत्र फुलवा पवित्र दर्शनेन भजन शुद्धिं करोमि। विधायक महोदय श्रीमान शैलेंद्र जी जैन साहब, सागर का मंगल आगमन हो चुका है, तालियों के साथ उनकी आगमन। और हमारे बीच में श्रीमान सुमन मोदी जी मजिस्ट्री साहब, तालियों का जोश की। आइए सुमन मोदी जी ताली बजाइए समाप्ति में। जिसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का तिलक लगाकर माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व सत्कार किया गया। इसके उपरांत विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को सबके समक्ष रखा। स्वागतम 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 स्वागतम
आज मेरा सौभाग्य है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के शुभारंभ के अवसर पे मुझे आप सबके बीच में पावन पवित्र भूमि लोहारी में आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिनके मतलब आग्रह और आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ, मेरे छोटे भाई सरीके अनूप जी हैं, उनके जुड़ाव से मैं वाकिफ हूँ। उनके 5 साल 6 साल से जब से वो लोहारी के इस मंदिर के जीर्णोद्धार और कायाकल्प में लगे हैं, और आज यहाँ पे हमें अक्षयकारी भगवान पारसनाथ की प्रतिमा देखने का और इस सौभाग्य का सिद्ध चक्र विधान का एक सम्मिलित होने का जो सुअवसर मिला है, उसके लिए मैं उनके पूरे परिवार की अनुमोदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। कार्यक्रम की श्रृंखला में 5 अप्रैल के दिन की शुरुआत प्रभु स्नेही श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान करने के साथ भगवान के जलाभिषेक के साथ हुई। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवने करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवने करेंगे। अमृत से गगरी, जिसके उपरांत शांतिधारा कर्ता परिवारों का तिलक लगाकर माला एवं मुकुट पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके पश्चात शांतिधारा कर्ता परिवार ने श्री जी की शांतिधारा कर अन्य मांगलिक क्रियाएं की। द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते। शांतिधारा कर्ता श्रीमान नितिन कुमार जी, सुकेश चंद जी, सुनील जी, स्वप्निल जी, अयांश जी, सुमन लता जी, पप्पी, ऋषु, अनवी, आयुष, आर्या, सरिता जैन, समस्त परिवार स्वास्थ्य लाभार्थम कार सिद्ध्यर्थम एवं शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले समस्त उपस्थित भव्यजन, सकल दिगंबर जैन समाज, अतिसचित ग्राम लोहारी, ओम ब्रीम अष्ट प्रातियार मध्ये छत्रत्रय स्थापनम करोमि, ओम ब्रीम अष्ट प्रातियार मध्ये चतुष्षष्टी चामर प्रातिहारे स्थापनम करोमि। इसके साथ ही भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान किया, जिसके बाद समस्त श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से संगीत बद्ध वातावरण में हाथों में चंवर लेकर नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती की। अरे बाबा गुंडनपुर वाले कीमत करो झूम झूम के, बाबा गुंडनपुर वाले कीमत करो झूम झूम के, झूम झूम के घूम घूम के, बाबा गुंडनपुर वाले कीमत करो झूम झूम के। हाथों मंगल बगल में बिछी नैनो की बलहारी राम प्रभु मुस्काए रहो रे, साथ मेरो बाबा मुस्काए रहो रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे छोटे बाबा रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे निहारो स्वामी मोरे। तत्पश्चात हाथों में धर्म ध्वजा लिए एवं रत्नों की थाली में द्रव्य लेकर नाचते झूमते हुए आए श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर द्रव्य समर्पित किए, जिसके बाद उनका तिलक लगाकर एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम 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 इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको माला मुकुट पहना। इसके साथ ही विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त धर्म स्नेही श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन करते हुए प्रभु को अर्घ समर्पित कर विधान मंडल पर अन्य शुभ क्रियाएं की। पापों से बचता जीवन होगा, जिस दिगंबर साधु जैसा जीवन होगा, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा,
तेरी पूजा करते करते तेरी भक्ति करते करते बीते शाम सवेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा बिना करेंगे मनमानी हम मनमानी हृदय धरेंगे जिनवानी अपना करें श्री अरिहंत भगवान समोसरणे श्री सिद्ध चक्र विधान मंडलोक परि अष्ट मंगल प्रातिहार्य स्थापनम करोमि ओम पट पट स्वाहा। तत्पश्चात पुनः विशिष्ट जनों का तिलक माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम 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 इनके माथे पे तिलक लगाओ इनको माला मुकुट पहनाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ इनको माला मुकुट पहनाओ ये है श्रावक सृष्टि ये है श्रावक सृष्टि ये है श्रावक। इसके बाद प्रभु भक्ति करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं के मध्य ही उपस्थित समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया। आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी रखना हमारा ख्याल बाबा हमको बुलाना हर साल बाबा हर साल बाबा और रखना हमारा ख्याल बाबा। अरे उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दे दो थोड़ा साथ अरे दे दो थोड़ा साथ बाबा तेरा क्या घट जाएगा दे दो थोड़ा साथ। तदुपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर शुभ क्रियाओं के बीच श्रीफल समर्पित करते हुए विधान पूजन के संपूर्ण अर्घ समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम नमो सिद्धार्थम अष्टविंशत अधिक सत गुण संयुक्ताय श्री सिद्ध परमेष्टिन अत्र अवतर अवतर संभव सर्वांगण ओम प्रीम श्री सिद्ध परमेष्टिन अष्टविंशत अधिक सत गुण संयुक्ताय अर्घम निर्वपामति हरि अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप है ओम प्रीम अमूर्तित्व धर्माय नमर्घम निर्वामति ओम प्रीम अवगाह धर्माय नमर्घम निर्वामति ओम प्रीम अनंत चतुष्टयाय नमर्घम निर्वामति ओम प्रीम नानुमोदित मनोमाया समारंभ गुरुवे नमर्घम निर्वामति ओम प्रीम अकारित मनोलोभ संभ्रम दृगानंद भावाय नमर्घम निर्वामति। अरे जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग धर्म है आत्मज्ञानी का सीमंदर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना। प्रेम नमो सिद्धार्थम अष्टाविंशत अधिक सद्गुण स्थित सिद्ध परमेष्टेभ्यो नमो नमः दिव्य जयमाला पूर्णमार्गम निर्वपामति जूत मिथ्या विभाव सो ते पावे निज भाव। प्रभु को अर्घ समर्पित करने के उपरांत ही प्रभु स्नेही भक्तों ने हवन में शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां प्रदान की। ना सुंदर एक नारी थी कोढ़ी पति लकी दुखियारी थी नहीं पड़ी चैन दिन रे कथित अकुलानी फल पायो मैं नारानी
श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से पानी फल पायो मैं नारानी। संध्याकालीन वेला में प्रभु भक्तों ने संगीत की बहती मधुर बयार के मध्य हाथों में चमर लेकर नाचते झूमते हुए मंगल दीपों से भक्तामर एवं प्रभु की आरती उतारी। जो जाने मान मत बारे थे उन्हीं मान तुम जिस हारे थे उन चतुराई से तुम पतिलिया बहकाई सब संकट जाए न जाए। उन्हें जी को द्रौपदी बुलाया था सैनिक चाह तुम सुनाया था उन बीती रागी को आज्ञा नहीं सुहाई सब संकट जाए न जाए। जो उपसर्ग घोर तब आया था बल पूर्वक पकड़ मंगाया था हथकड़ी श्री जी राजा तुम दीपारी उतार जिहारी अरे इसलिए बाबा तारी आरती करूं मैं मंदी न करूं हाथों में दीपक लेकर आरती करूं दीवाले चम 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 बाजे गुगिरू हाथों में दीपक लेकर आरती करूं हाँ बाबा हो बाबा अरे बाबा हो बाबा मेरे कुंडल बुलवाले बाबा बाबा हो बाबा मेरा बाबा हो बाबा तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा राजगुरु सपने में आए राजगुरु सपने में आए और ये दीवान क्या कह रहे हैं और मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए मेरे गुरु दीवाने आए महाराज। इसके साथ ही प्रतिष्ठाचार्य श्री नवीन भैया जी ने प्रभु के श्री चरणों में भक्ति गीत के माध्यम से नमन वंदना करते हुए अपनी वाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। मेरा जीवन धन्य हुआ है संस्तुतियां गाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके इन लोक में जहां जहां जो जो जिन आलय है तो वहीं कार्यक्रम में पधारे मंचासीन विशिष्ट जनों एवं गणमान्य लोगों का तिलक माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया जिसके उपरांत विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। इनको माला मुकुट पहनाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ इनको माला मुकुट। इसके बाद प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के अंतर्गत बच्चों से धर्म से जुड़े सवाल किए गए जिसके साथ ही बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। आचार्य विद्या सागर के गुरु का नाम क्या है? आज बच्चे पढ़कर आए हैं और बहुत सारे हाथ उठे हैं। आचार्य विद्या सागर जी का नाम ज्ञान सागर है। बहुत बढ़िया, आपका नाम बताइए। विनय घोष। आचार्य विद्या सागर जी तीन भाई बहन है क्योंकि सभी मुनि है, उनके दो अन्य भाइयों के नाम बताए। संध्याकालीन आरती के पश्चात रात्रि के कार्यक्रम हुए जिनका सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव पूर्वक आनंद लिया। क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तो क्या फिर ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ यार, ये मेरी कुल्हाड़ी है। बस मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा देख के बहुत प्रसन्न हुई, इसीलिए ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। प्रणाम। हे राजन, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? रानी, मैंने अभी स्वप्न में एक देव को अपना संपूर्ण राज, संपूर्ण धन संपदा दान में दे दी है, अब इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। हे महाराज,
राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, और काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। आप कैसे पिता है, ये पुत्र जो मर रहा है, मर चुका है, और आप कह रहे हैं कि उसके लिए कर दो, कैसे पिता है, कैसे पिता है आपकी सत्यता की। देवी, यहाँ पर पिता धर्म से पहले मैं किसी का सेवक हूँ, मेरे अपने कार्य के प्रति कर्तव्य है, मैं उनका निर्वाहन कर रहा हूँ। आपकी सत्यता के कारण हमें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, हमें अपना पुत्र खोना पड़ा, अभी भी आपको सत्यता दिखती है। देवी, मैं विवश हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने स्वामी से झूठ नहीं बोल सकता, आपको कर देना ही होगा, अन्यथा आप अपने पुत्र को लेकर चली जाइए। ठीक है, आपको कर चाहिए ना, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। लीजिए आपका 2% कर लीजिए। कार्यक्रम में अब समय था 7 अप्रैल के दिन की मांगलिक क्रियाओं का, जिसकी शुरुआत श्रावक श्रेष्ठियों के तिलक लगाकर एवं मुकुट पहनाकर उनके अनुमोदना करने के साथ हुई। इसके बाद वो समय आया जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वो समय था 4 वर्ष बाद होने वाले मूलनायक चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के महामस्तिकाभिषेक का। श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान के समक्ष श्रीकार लेखन कर अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु का महामस्तिकाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला, और हो भी क्यों ना, उन्हें ये अवसर 4 वर्ष पश्चात जो प्राप्त हुआ था। अभिषेक करे नित भवनों में, पूज्य अकृत्रिम बिंब सकल स्वर द्वारा, स्वर्गों में भी सुख तारा। प्रभु के मंगल अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली प्रभु प्रेमी भक्तों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा करने के साथ साथ अन्य शुभ क्रियाएं की। नमो रते भगवते श्रीमते, ओम रीम क्रोम बम बम खंडय खंडय, जय जय दय दय बच बच बाजय बाजय। ओम रीम अष्ट प्रातिहार मते श्री पार्श्वनाथ भगवान मस्तको परि त्रय छत्र स्थापनम करोमि। ओम रीम अष्ट प्रातिहार मध्ये देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान पादमूले चतुष्षष्ठी चामर प्रातिहार स्थापनम करोमि। इसके साथ ही विधान पूजन प्रारंभ किया गया, जहां समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए भक्ति पूजन में प्रभु के श्री चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तत्पश्चात ही क्रमशः धर्म स्नेही बंधुओं ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित कर परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस बीच कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन माननीय कैबिनेट मंत्री जी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम 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 स्वागतम। जिसके उपरांत अतिथिगण ने श्री जी के समक्ष नमन वंदन करते हुए दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण किया। मेरे गुरुदेवा, अलिया मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। जिसके बाद पुनः विधान पूजन करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल पर मांगलिक क्रियाओं के मध्य श्री जी को अर्घ समर्पित करने के साथ साथ प्रभु भक्ति में ओत प्रोत संगीत बद्ध वातावरण में भक्ति नृत्य के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया। तारण तारण हो हमारे।
पूरण कर कृतिना में अंत सुख कारणम पूजो हूँ युद्ध भाव कर सुधारण। मध्य प्रदेश प्रांत सागर जिला अंतर्गत देवादेव चिंता में पार्श्वनाथ जिनालय अतिशय क्षेत्र ग्राम लोहारी में दिन निर्माण सम्मत 2549 मास उत्तम मास बैसाख मास कृष्ण पक्षे प्रतिपदा शुक्रवार श्री मुनि आर्काणाम श्रावक श्रावकाणाम सकल कर्म चयार्थम संपूर्ण मार्गम निर्भमाम दे स्वाहा। तदुपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके साथ ही समस्त भक्तों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां प्रदान की। इसके पश्चात कार्यक्रम में आए समस्त पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों का तिलक माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 9 अप्रैल के दिन का शुभारंभ नित्यमय पूजन व प्रभु स्नेही भक्तों द्वारा किए गए श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ। आत्मा के साथ साथ मन कर लो, आत्मा के साथ साथ मन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, सोने और चांदी के कलश। प्रभु के अभिषेक उपरांत ही सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। जम जम जिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते ओम रीम क्रोम बम 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 खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरम जम जिम जिम हम सम जम बम हाय सा शाम चीम चोम चेम चेम चोम चोम ता चीम राम रीम रूम रेम रम 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 रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते टाइटस माकम शांति धारा कर। प्रभु की शीश पर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ छत्र स्थापना करते हुए अन्य शुभ क्रियाएं की। इसके साथ ही विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिसमें समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से पूजन कर संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु के श्री चरणों में संपूर्ण अर्घ समर्पित किए। अभिमान करो रे हम जैन कुल में जन्म रे अभिमान करो रे हम जैन कुल में जन्म रे अभिमान करो रे। जिसके उपरांत विश्व शांति महायज्ञ हवन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गईं, जिसमें सर्वप्रथम समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने शुभ क्रियाओं के बीच शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ अष्ट द्रव्यों से प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम नमस्ते सर्वम रक्षक ओम फट स्वाहा चंदन ले ले ओम रीम सिलगंधाय नमः चंदनम समर्पयामि ओम रीम अक्षताय नमः अक्षतम समर्पयामि ओम रीम दर्भ मथनाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि ओम रीम ज्ञान ज्योत्याय नमः दीपम समर्पयामि। इसके साथ ही प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के निर्देशन में धर्म स्नेही श्रद्धालुओं ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व शांति की कामना की। ओम रीम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम रीम सम्यक चारित्राय नमः सत्य जाताय नमः अरहत जाताय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः। चले दोनों हाथ जोड़े सेवा परम सर्वपरम स्थानम भवतो समाधि मरणम भवतो दीर्घायु रस्तो सुख शांति समृद्धि रस्तो। इसी के मध्य कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य एवं विशिष्ट जनों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस भव्य आयोजन में जहां एक ओर सागर की समस्त जैन समाज ने महेश बिलहरा संतोष घड़ी अनिल नैनघरा आदि की उपस्थिति में चौधरी गुलजारी लाल जैन लोहरारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गिरजाबाई जैन का सम्मान किया, तो वहीं लोहारी मंदिर के संरक्षण और सौंदर्य के स्थायित्व को बनाए रखने में चौधरी परिवार के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा स्वरूप उनके पुत्र इंजीनियर अशोक अलका जैन श्री अनिल बबली जैन और एडिशनल कमिश्नर अनूप भाषा जैन का सम्मान समस्त समाज ने किया। स्वागतम स्वागतम मैं ये रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूँ कि मेरा सम्मान आज क्यों हुआ। देखिए पद पर रहते हुए मैंने किसी के लिए कुछ काम किया हो वो ठीक है, किसी ने मुझसे मदद ली हो वो भी ठीक है, बड़े पद पर हूँ वो अपने आप जगह है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा सम्मान इसलिए मुझे लग रहा है और शायद यही सत्य इसलिए हो रहा है कि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आचार्य गुरुवर
जो भगवान है आज के उनसे जुड़ा हुआ और आप लोग उन्हें वहां आते जाते देखते हैं इसलिए आप उनको सम्मान करते हैं। और मैं बताऊं पहले लोग मुझे जानते थे बहुत सारे लोग जानते थे लेकिन मैं मेरे जो जिन्हें कहते इष्ट गुरु आचार्य श्री तो को मैं गुरु से ज्यादा भगवान मानता हूँ। इष्ट गुरु जो मेरे हैं प्रमाण सागर महाराज मैं प्रमाण सागर महाराज के पास 52 गजा गया। एक बड़ा मुद्दा था महाराज श्री ने मेरे सामने रखा और पता नहीं कैसे गुरु जी की कृपा थी कैसे मुझे ऑटोमेटिकली उस जगह से फोन कॉल आए जहाँ से काम बनना था मेरे पास मैं महाराज जी के पास गया वो काम हुआ। इसके पश्चात हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की भव्य विमान यात्रा निकाली। प्रभु की विमान यात्रा में शामिल समस्त श्रावक श्रेष्ठियां ढोल नगाड़ों पर भक्ति नृत्य करते हुए आगे बढ़ रही थीं। प्रभु भक्ति में लीन भक्त नाचते झूमते हुए नगर भ्रमण करने के उपरांत विमान यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद प्रभु प्रेमी भक्तों द्वारा श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ प्रभु का जलाभिषेक कर अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जल निंजन ओम ह्रीम श्री विश्वादी इसके साथ ही समाज के विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। हमारा ग्राम लोहारी नरियावली के पास में खुरई बीना रोड पर स्थित है। यहाँ पर बड़ा अतिशयकारी पार्श्वनाथ जिनालय है और इस जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान की अति प्राचीन मूर्ति है। मंदिर का इतिहास 400 वर्षों से अधिक प्राचीन माना जाता है और यहाँ की मूर्तियाँ हजारों साल पुरानी मानी जाती हैं। अभी आज ही 9 दिन से चल रहा सिद्धचक विधान महामंडल विधान यहाँ पर सम्पन्न हुआ। विधान के पुनर्जक परिवार हमारे जीजाजी और बहन जी थे श्री सुनील कुमार जैन संगीता जैन बेगवंज थे। ये मंदिर के बारे में बताएं कि ये मंदिर इतना प्राचीन है इतना अतिशय है कि जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं बहुत आगे तक गए हैं। इस ग्राम में मुनि अजित सागर महाराज जी के चरण पड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात मुनि प्रमाण सागर महाराज जी संघ के साथ और 2-4 हज़ार लोग भीड़ के साथ इस ग्राम में आए यहाँ पर आहार चर्या की रात्रि विश्राम किया शंका समाधान किया उनका आशीर्वाद रहा। यह मंदिर तीर्थ की तरह बदल गया है। सारे सागर आसपास के जगह से लोग आए गांव का अभिमान बढ़ा। मध्य प्रदेश शासन के कई कैबिनेट मंत्री आए सबने गांव के दर्शन किए मंदिर जी के दर्शन किए सबने आशीर्वाद लिया। सभी को मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस प्राचीन अतिसारी कार्य मंदिर में एक बार दर्शन करें आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे जिनालय बहुत कम जगह पर हैं यहाँ केवल जैनों का एक परिवार है और एक पुजारी है उसके बावजूद इतना सुंदर जिनालय अभी भी बना हुआ है और आगे हजारों साल तक ऐसे ही रहेगा। सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ग्राम लोहारी में अतिशिकारी पार्श्वनाथ जिनालय नरियावली के पास खुरई बीना रोड पर सागर जिले के पास स्थित है। ग्राम मंदिरों को समर्पित ग्राम पूजन पुण्य दल इस ग्राम के मंदिरों के साथ साथ आसपास के मंदिरों की व्यवस्था से भी जुड़ा है। दर्शकों आज आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से आयोजित हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य समस्त भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों अभी समय है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल।
जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती संगीता जैन, केएल परिवार, बेगमगंज, चौधरी गुलजारी लाल, श्रीमती गिरजाबाई जैन एवं समस्त परिवार लोहारी, इंजीनियर श्री अशोक कुमार, श्रीमती अलका जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबली जैन, श्री अनूप कुमार, श्रीमती भाषा जैन एवं समस्त लोहारी परिवार, ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी।